हेलो दोस्तों, तो सुरेश कुमार हंडियालवी अज फिर थोड़े रूबरू हो रहे हैं। तो तुहानू पता है अज मैं कोई नवा विशा होर लैके आया, ठीक है ना। तुहानू पता ही जिहड़े मेरे विषय होंदे है, ठीक है ना। मैं आम जिंदगी चो विषय लैंदा, उहनां दी कोई प्रैपरेशन नहीं हुंदा, मतलब जो मन च ख्याल आउंदे है, दिल च ख्याल आउंदे है, वह मैं तुहाडे रूबरू कर दिंदा, ठीक है ना। अज मैं तुहाडे अगे मतलब जो पेश कर रहा ना, भी जिंदगी दे जिहड़े दुख ने, पेन्स एंड सोरोज आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी दे पार्ट ने, ठीक है। परंतु ये हर एक नूं आउंदे है, दुख फेस करने पैंदे है, परंतु इन्हां दुखां नूं सुलझाउणा ते फेस करना, आई थिंक इट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी दी इक कला है कि असीं इन्हां नूं किवें लैंदे हां। परंतु दोस्तों, जिंदगी च कोई इहो जिहा दुख आ जांदा है, ठीक है ना, वो किसी व्यक्ति तो झल नहीं होंदा। तो अज की इस वीडियो दे विच मैं दुख व्यक्ति नूं किवें परिपक्व बनाउंदे है, तो जिंदगी दे विच किवें दुखां नाल किसी व्यक्ति की वक्री पहचान बन जाती है, ठीक है ना। ये तुहाडे रूबरू कर रहे हैं अपनी वार्तक राही। तो दोस्तों, दुख जिंदगी का हिस्सा नहीं, तो पार्ट ने, परंतु इन्हां दा सामना करना यही जिंदगी का एक आर्ट है। किवें लैंदे ते जिंदगी दे विच आपां जिहड़े दुख ने, हर एक कोले तां आपां मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जिंदगी विच इहो जिहा इंसान कोई हुंदा है, बहुत नहीं मतलब कोई इहो जिहा इंसान हुंदा जिहदे कोले असीं आपां दुख आपां शेयर कर लैंदे हां। ते ज़्यादातर बहुत लोग इहो जिहे भी हुंदे भी मतलब जिहड़े दुखां दा मतलब जो बंदे दे आउंदे ने उहनां दा मजाक उड़ाउणा हुंदे, ठीक है ना। इस करके किसी दा दुख उही समझदा है जिसने आप दुख नूं दुखां नूं फेस कीता, ठीक है ना। उही व्यक्ति दुखां नूं मतलब शिद्दत दे नाल जिन्हें हंडाया हुंदा है उन्हूं पता हुंदा है वी उह व्यक्ति किवें दुखां दे विच। कई वारी व्यक्ति दे विच इहो जिहे मतलब एक दुख इहो जिहा आ जांदा है, आपां कह दिंदे आ वी इह मर्जी सी रब दी, ठीक है ना, हो गया। परंतु उह दुख जिंदगी दे विच चल नहीं हुंदा, ठीक है ना, वी इस करके उह जिंदगी दे विच सारी उम्र आपां नूं तड़पाउंदा है, ठीक है ना। दुख जिंदगी का एक हिस्सा होंगे, ठीक है ना। परंतु यह जिहड़े दुख होंगे ने किसी व्यक्ति को परिपक्व जरूर बनाते हैं, ठीक है ना। इस नाल किसी व्यक्ति की कोई वक्री पहचान बन जाती है। बहुत लोग जिहड़े इमोशनल होंगे है वह दुखों विचों भी सुख लभदे ने, ठीक है ना, भी उन्होंने दुखों विचों भी गंभीरता में जो लेंगे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें सुख मिलता है, ठीक है ना। तो जिंदगी दे विच वो अपनी बखरी पहचान बनाए ने लोग जिहड़े दुखां फेस करते हैं। कोई व्यक्ति इहो जिहा हुंदा है भी मतलब जिहड़े दुख ने उस व्यक्ति का कदे भी खेड़ा नहीं छड़दे, ठीक है ना। कई बार सोच लैंदे ने लोग मतलब जो रब दुख लिखता किसी ने, ठीक है ना, तो जे लाइट भी चली जाए तो सोचते हैं नहीं मैनू लालटन लैंप ला लैन दे तो मैं इस व्यक्ति के दुख होर लिख दे। इस करके मेरा मतलब कहण दा यह है भी रब कई बार किसी व्यक्ति के दुखड़े इन्ने लिखता है, ठीक है ना, वो व्यक्ति दुखा हटा हटा पूरी जिंदगी कट दिंदा, ठीक है ना। तो बाकी ये दोस्तों रब की रजा, ठीक है ना, दुखों का सामना करी चलो, फेस करी चलो, ठीक है ना। तो कई बार दुख सू पेल भी दसिया झल नहीं होंगे किसी इंसान, परंतु परसनैलिटी जरूर ना आती, ठीक है ना। एक गल तुसी नोट करो, ठीक है ना, तो जिहड़ा व्यक्ति मतलब पार्ट ऑफ आर्ट्स सॉरी पार्ट ऑफ पेन दुखां दा हिस्सा हुंदा है, यानी कि पात्र हुंदा है, वह व्यक्ति की वक्री पहचान हुंदी है, वक्री नेचर हुंदी है। तो एक गल नोट कर लो, व्यक्ति की वक्री परसनैलिटी पहचान आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। इस करके दोस्तों, दुखां दा मतलब आपां नूं फेस है बोल्ड नहीं करना चाहिए, परंतु आपां कह जरूर दिंदे हां, परंतु एक दुख इहो जिहा आ जांदा है आपां नूं उहनां नूं जिहड़ा झल नहीं हुंदा उह जिंदगी दे विच। ते इस करके दुख जिंदगी दा हिस्सा नहीं, बहुत मन करदा सी वी तुहाडे नाल जिहड़े जिहड़े पेन ते सोरोज ने वी उहनां बारे गल कीती जावे, ते नाल नाल जिहड़े कि मैं तुहानूं एक मतलब शेयर सुना रहे हैं
दुखां बारे मेरी पोएम लिखी है। कई बार जिंदगी च एक आ जाता है बड़ा दुख, कई बार जिंदगी च एक आ जाता है बड़ा दुख, फिर तो उस दुख चो ही लभना पैंदा है सुख। कई बार जिंदगी च एक आ जाता है बड़ा दुख, फिर तो उस दुख चो ही लभना पैंदा है सुख। सच आखदा हंडियालवी, सच आखदा हंडियालवी, वह दुख हुंदा नहीं उह झल। सच आखदा हंडियालवी, वह दुख हुंदा नहीं उह झल। हिजरां दी उहनां च आउंदी है मठी मठी छल, हिजरां दी उहनां च आउंदी है मठी मठी छल। दोस्तो अज मैं जो तुहाडे रूबरू होया, यानी कि इहदा मैं यही विशा लिया सी, जिहड़े दुख ने किसे व्यक्ति नूं परिपक्व बना दिंदे ने, वक्खरी पहचान बना दिंदे ने। सानू दुखां दे विच घबराउणा नहीं चाहीदा, उन्हां दा जिहड़ा उन्हां नूं जिहड़ा फेस सामना करना चाहीदा है, बोल्डली तरीके नाल करना चाहीदा है। तो एक गल सानू होर दसना, जदों बंदे दे मतलब कोई ज़्यादा दुखां दा कोई व्यक्ति पूरा सामना करता है, ठीक है ना, वह जिंदगी दे विच रिस्पोंसिबल परसन बन जाता है, दूजे दी नीड्स नूं समझदा है, दूजे दी इमोशन नूं समझदा है। सिर्फ इंसान कोई रेयर ही हुंदा है, विरला ही हुंदा है जिहदे कोल असीं अपने दुख नूं शेयर कर सकते हैं। मैं पहला भी दस चुकिया, बहुत इंसान इहो जिहे हुंदे है जे आपां दुख नूं दसदे हां तां अपना मजाक उड़ाउंदे है, दे मेक फन ऑफ अवरज अपना मजाक उड़ाउंदे है। परंतु कोई जिहड़ा एक खास ही व्यक्ति हुंदा है जे जिहदे कोल असीं दुख शेयर कर सकते हैं, दुख किसी व्यक्ति दे उही समझदा है जिसने दुखां दा सामना किया होवे। ओके दोस्तों, अखीर विच मैं यही कहूँगा, पेन एंड सोरो आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट टू फेस दैम इट इज द आर्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी का हिस्सा ने दुख सुख, परंतु इन्हों फेस करना यह जिंदगी का मेरे मुताबिक आर्ट है, कला है। परंतु कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जिंदगी विच कोई बैठा दुख आ जाए, वह आप कह जरूर दें, परंतु वह साढ़े तो चल होना बहुत मुश्किल है। ओके दोस्तों, तो जेकर तुम इस तरह के वीडियो जिंदगी रिलेटड मैं अपनी अपने चैनल पर पोएम सॉन्ग्स तो पाने पाँगा अपलोड कर दी करदा, इस तरह की वार्तिक जो मेरे मन च भाव आते हैं, ख्याल आते हैं, तुम्हें पता मैं कोई प्रैपरेशन नहीं करता, मतलब स्पोंटोनियस ही आता हैड के वो मैं थोड़े रूबरू कर देना। जो वधिया लगी कमेंट करना तो शेयर जरूर कर देना। शायर हंडियालवी का चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।